डिटेल में कराऊंगा। इससे पहले कि मैं ये आपको बताना चाहूँ कि आज हमने ये महफिल इकट्ठी आप लोगों को किया क्यों है और यहाँ आने का आप सबका हमारा मकसद क्या है। सबसे पहली तो बात ये है कि कौम जिस दराये पर खड़ी है और जो क्राइसिस हम यहाँ महसूस कर रहे हैं उनकी निशानदेही मीडिया और हर बंदा कहीं कर रहा है उसमें जाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त हालात क्या है ये देखने की बात है कि जब भी कोई मसला होता है क्राइसिस होते हैं तो उन पर बात कर लेना ही काफी नहीं होता, उसके हल ढूंढना सबसे पहले जरूरी होता है और आज हम ये कोशिश करेंगे कि इसकी तरफ पहला कदम उठाएं कि हम इन सॉल्यूशंस को हम क्या वैल्यू दे सकते हैं और क्या हमारे में सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढ लेना भी शायद काफी नहीं होगा, क्या हमारा कोई नीयत कोई विल काम करने की भी है। क्योंकि यहाँ सोने की बातें हो रही हैं और कॉम हो रही है और हम यहाँ आपको कुछ आप दिखाना चाहेंगे और आपको बंद आंखों से देखने की हिम्मत देना चाहते हैं आप और हम सब मिलकर इस कॉम के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त हम जिंदगी गुजार रहे हैं वो किसी जज की जिंदगी नहीं है जो पंजाबी में जज कहते हैं, तो ये किसी जज की जिंदगी नहीं है जो इस वक्त हम सारे गुजार रहे हैं, डे टू डे बेसिस पे चल रहे हैं, इस पर हम चल नहीं सकते। अभी भी मीडिया पर बहुत सी बातें होती हैं कि भी अपर पोर्शन का बलूचिस्तान को आराम दे जाएगा और इधर से इंडस के ऊपर से जो एरिया है वो अफगानिस्तान में शामिल हो जाएगा तो फिर सिर्फ पंजाब को कहते हैं कि पाकिस्तान रह जाएगा। क्या हम उस फेल स्टेट की तरफ जा रहे हैं और अगर जा भी रहे हैं तो क्या हम इसको जाने देंगे, क्या हम सोए हैं, क्या हम कुछ भी नहीं करेंगे। मैं आप सबके आने का बहुत बहुत मशहूर हूँ, आप जो बिजनेस कम्युनिटी के अपने कई लीडर हैं वो आज यहाँ तशरीफ लाए हैं और ये हमारी बात सुनने के लिए। मैं इससे पहले कि स्पीकर को यहाँ मजबूत करूँ मैं कलीग जुबान की एक छोटी सी नज़म आपकी नज़र करना चाहता हूँ। इसको सिर्फ प्लीज सुनना नहीं है, ये सुनाना मेरा मकसद नहीं है, सुन के अगर आपने इस पर सोचा तो ये एक कदम आगे होगा और इस पर अगर आपने कोई अमल कर लिया तो ये मेरी सक्सेस होगी आपको सुनाने की, अदरवाइज आप इसको शेर समझ के वाह वाह करके घर चले जाएंगे, मेरा वो मकसद नहीं है। तो अखिलेश जबरान का आपको नाम आपने सुना ही होगा, उसने लिखा है कि माई फ्रेंड्स एंड ओल्ड फेलोज इट इज़ द नेशन दैट इज़ फुल ऑफ बिलीव्स नेम्ड योर रिलीजन, कि आपके इत्तेहाद हैं मगर वहम परस्त हैं और आपको मजहब में आपको लोगों तक काम नहीं कर रहे। इट इज़ द नेशन दैट रेजेस नॉट इट्स वॉइस सेव एंड फॉक्स इन फ्यूनरल, कि आप जब किसी को दफनाने जाते हैं तो शोर मारते हैं चीखते हैं रोकते हैं कि उनको मर गया मगर जिंदगी का वक्त आप कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। It is a nation whose statesman is a fox, whose philosopher is a juggler, whose art is the art of catching and drinking. It is a nation that welcomes its new ruler with trumpets and favor with votings. It is a nation that welcomes its new ruler with trumpets and favor with votings. It is a nation that welcomes its new ruler with who saves a dumb with ears, कि आपके तेज हैं आप अगर नंद हैं आपको सारी कुछ सुन समझ है मगर आप खामोश हैं, जिस खामोशी की आज हम बात कर रहे हैं कि कोई इस पर अमल नहीं कर रहा। एंड वो स्ट्रॉन्ग मैन इन क्रेडिट, ये सबसे फिक्रमंदाना बात है कि जो उसे मजबूत तरीन इंसान है वो कहते हैं मोदी भी घोड़े में लेते हुए बच्चे हैं वो काम को नहीं कर सकते। लेकिन द नेशन डिवाइडेड इन टू फ्रेगमेंट्स ईच फ्रेगमेंट deemed itself a nation, यानी कि हर जो खत्ता है वो अपने आप को जैसे बलूचिस्तान अपने आप को नेशन करार देना चाहता है, सिंध कहता है मैं मेरे से बड़ा कोई नहीं है, पंजाब कहता है मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, तो वो कहते हैं कि the nation divided into fragments, each fragment deemed itself a nation,
हमने फेडरल शेख फेडरेशन फेडरल की तरफ जाना है, हमने सारे इकट्ठे होकर जाना है, हमने इस कौम को इकट्ठा करना, इस कौम को इकट्ठे करने के लिए आज आप सबको जगाने के लिए ये महफिल रास्ता की गई कि कब तक हम सब जो अपने अपने कई लीडर हैं, अपने अपने कई बहुत बहुत बड़े बिजनेस चला रहे हैं, मगर कौम को एक कागज़ की नाव की तरह इस दुनिया के सैलाब में छोले खाने को छोड़ दिया, अब कैसे छोड़ सकते हैं? यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द शिप एंड हाउ कैन वी लेट इट गो। अब बात आ जाती है कि हम सोए क्यों? मैंने सिर्फ छः सात पॉइंट्स हैं, निकात हैं, हेडिंग्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद में फिर मैं अपने गेस्टी को तो दावा दूंगा कि वो आके अपनी मेन बात करें। लोग ये समझते हैं कि आई कांट लीड इफ आई एम नॉट एट द टॉप। जब भी हमारे आपस में बात होती है, जब तक मैं टॉप फैली मैं लीड ही नहीं कर सकता, ये एक मिथ है, ये सारी मिथ्स पढ़ के आपको सुनाने लगा। दूसरे मिथ्स ये है जी कि व्हेन आई गेट टू द टॉप आई लर्न टू लीड। जब मैं कहीं पहुंचूंगा तो फिर मुझे पता चलेगा मैं लीड करना है। इफ आई गो ऑन टॉप देन पीपल विल फॉलो मी, तो मैं टॉप पर हूँगा लोग मुझे फॉलो करेंगे, इसलिए हम सोए रहते हैं कि मैं टॉप पर जाऊँगा तो काम को टॉप की जरूरत नहीं है। When I get to the top, I am in control. When I get to the top, I no longer be limited. There was unlimited powers on me, or ye kar lo, wo kar lo. I can't reach my potential if I am not the top leader. Aur aakhir ye hai, if I can't get to the top, then I won't try to lead. Ye abhi baat ho rahi thi. Agar main control mein nahi hu, main agar woh to main I won't try to lead. Isliye main kehta hu ki aap sab apni apni jagah pe leader hain aur lead उसी वक्त होता है जब आप एक टीम वर्क बनाते हैं। आज मैंने कोशिश की है और लोग भी मजबूत है कि यह आप टीम, जब तक ये टीम काम नहीं करेगी कुछ भी नहीं होने वाला, एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने टीम को किस तरह से डिफाइन किया, टीम इज अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, उसे लार्ज नंबर भी नहीं करते, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल that complement skills who are committed to common purpose, performance goals with principles and which they hold themselves mutually accountable. अपने आप को accountable वो खुद ही महसूस करते हैं और coming together सबका जो मिलना है, जैसे आज हम आए हैं, ये आज का मिलना is the beginning. Keeping together is progress, working together is success. मैं समझता हूँ कि हम अभी पहले मरले पे हैं, कीपिंग टुगेदर नहीं है, अभी हमने वर्किंग टुगेदर शुरू नहीं की है जो कि कामयाबी की जमानत है। और इसमें मैं आखिर में सिर्फ एक मजे का फिक्र आपको सुनाते हुए इजाजत चाहूँगा, और वो ये है कि आपने बड़ा मुश्किल मुहावरा सुना हुआ, वेयर देयर इज अ वेल देयर इज अ वे, पर किसी ने आगे बहुत खूबसूरत उसमें एडिशन की है कि इफ देयर इज अ वेल देयर इज अ वे, व्हेन देयर इज अ टीम देयर इज मोर देन वन वे। We have to find that where it means to work together. और इसकी खातर हमने आज बैठा की है, जावेद चौधरी साहब इस्लामाबाद से स्पेशली आए हैं, किसी किताब के मोहताज नहीं है, इन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, इसमें एक किताब को मैंने भी पढ़ी, इस पर इन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज का मजमू किया हुआ है।